हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, अगर कोई चीज़ समझ में आ जाए तो हम उसको कह देते हैं कि भाई ये साइंस है, और अगर समझ में ना आए तो हम उसको कहते हैं जादू है। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है एक अदद नील की बोतल। तो दोस्तों, ये वही नील है जो कपड़ों के अंदर डाला जाता है। अब भाई मैं इसके साथ क्या करूँगा। दोस्तों, नील जो होता है कपड़ों को नीला करने के लिए, हल्का नीला करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इससे बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। तो क्या आप नील का कलर बदल सकते हैं, और नील का कलर बदलने के बाद क्या उस कलर को दोबारा से ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही काम करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, और ये जादू आप देखिएगा। दरअसल ये जादू नहीं है, ये केमिकल लोचा है। तो दोस्तों, ये क्या लोचा है, और ये कैसे होगा, और ये क्यों होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले बाउल के अंदर एक गिलास पानी ले रहा हूँ। पानी लेने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगा एक कतरा नील। नील डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अब बारी आती नमक के तेजाब की, यानी HCl। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसके अंदर डाला मैंने, तो देखिए आप इसका रंग बदलना शुरू हो गया। अब बारी आएगी दोस्तों इसको भी दोबारा से घोलने की। जैसे ही मैं इसको इसके अंदर घोलूंगा तो इसका कलर मुकम्मल ही बदल जाएगा। देखें दोस्तों, नीले से वो नील हरा हो चुका। अगर कलर वापस लाना हो तो अब हम क्या करेंगे। देखिए, कुछ देर रखने के बाद इसका कलर और जो है लाइट शेड की तरफ चला गया। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया दोस्तों कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, अब जैसे ही कास्टिक सोडे को मैं इसके अंदर मिक्स करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी गर्मी पैदा होगी और नील का कलर वापस आना शुरू हो जाएगा। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि कास्टिक सोडे ने HCl को, यानी नमक के तेजाब को, न्यूट्रल कर दिया है और नील का कलर वापस आ गया है, क्योंकि वो तेजाब की वजह से उसका कलर उड़ गया था।